स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सब्जेक्ट मैथ, ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन। ग्रेटर देन मतलब ज़्यादा, स्मॉलर देन मतलब कम। जो ये नंबर्स हैं कुछ, ये देखिए 3, ये 5। 3 और 5 में कौन सा नंबर ज़्यादा होता है चिल्ड्रन? 5। जो 5 नंबर है वहाँ पर आपको ग्रेटर देन का यूज़ करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको ग्रेटर देन का यूज़ करना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट नंबर क्या है? 10 एंड 11। 10 और 11 नंबर्स में कौन सा नंबर ज़्यादा होता है? 11। तो आपको 11 नंबर्स में ग्रेटर देन का यूज़ करना है। किसका? ग्रेटर देन का। ओके, नेक्स्ट है 15 एंड 12। तो 15 और 12 नंबर्स में कौन सा नंबर ज़्यादा होता है? 15। तो आपको 15 नंबर्स के जो बॉक्स है उसमें आपको ग्रेटर देन का यूज़ करना है। ओके, इस तरीके से। इसी तरीके से आपको ये नंबर्स है, जैसे कि 21 और 22 नंबर्स में कौन सा नंबर ज़्यादा होता है? 22 नंबर ना, तो 22 नंबर्स पर आपको ग्रेटर देन यूज़ का, किस सिंबल का यूज़ करना है? ग्रेटर देन का। ओके, जो ग्रेटर देन का जो सिंबल होता है आपको पता होगा, जो उसका मुंह जो ज़्यादा नंबर्स होते हैं उस तरफ खुलता है, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट है 10 एंड 14। ठीक है, 10 और 14 में कौन सा नंबर ज़्यादा होता है? 14। तो आपको 14 नंबर्स पर ग्रेटर देन का यूज करना है। ओके, इसी तरीके से आपको ये वर्क कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है, सेम वर्क आपको होमवर्क में भी करना है। ओके,